जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की आप लोग की वैकेंसी थी जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। जी हाँ, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के फॉर्म अप्लाई हुए थे 22 अप्रैल से 12 मई 2023 की डेट थी। लास्ट डेट को यहाँ पे बढ़ाया गया था, 21 मई 2023 तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई हुए थे। वैकेंसी की डिटेल आप लोग की दी गई थी। जी हाँ, हेड कांस्टेबल आरओ में आप लोग की 217 और आरएम में आप लोग की 30 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई थी। इसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। वैकेंसियों के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे जानकारी दी गई थी आप लोग के रिटर्न एग्जाम की। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम होने वाला था। फर्स्ट फेस आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ही है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम होना था। और एग्जाम आप लोग का 4 जून 2023 संडे में दो शिफ्टों में आप लोग को यहाँ पे एग्जाम था, लेकिन एग्जाम नहीं हो सका। और उसके बाद से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान, सर हमारे रिटर्न एग्जाम कब होंगे। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम कब होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बीएसएफ ने अपनी जितनी भी रिक्रूटमेंट है सभी को यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो भी एग्जाम्स वगैरह थे बीएसएफ के पास सभी यहाँ पे अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं। अभी आप लोगों का कुछ दिन पहले ही बीएसएफ ट्रेड्समैन, जी हाँ बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी, इसका भी एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन कर दिया गया जो कि 28 अगस्त 2023 को है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम यदि आप लोगों ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था जिसके कि जून में यहाँ पे एग्जाम होने थे, आपका भी एग्जाम यहाँ पे अब ओएमआर बेस्ड नहीं है, आप लोग का भी एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होने वाला है, सीबीटी आप लोग का होने वाला है, ओएमआर बेस अब आप लोग का एग्जाम नहीं है। तो बीएसएफ ने अब सब कुछ चेंज कर दिया है, सभी एग्जाम बीएसएफ के ऑनलाइन ही हो रहे हैं, सीबीटी एग्जाम आप लोग के हो रहे हैं। तो 4 जून की डेट आप लोग की चली गई है, अब आप लोग की न्यू डेट यहां पे निकल के आ रही है। वैकेंसियां इंक्रीज हो चुकी हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, 386 वैकेंसी हो चुकी है आरओ में आप लोग की, 315 और आरएम में आप लोग की 71 वैकेंसी हो चुकी है। वैकेंसियां अच्छी हैं। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप लोग को सेकंड फेज यहां पे आप लोग का जो होगा फिजिकल में आप लोग का पीईटी पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को फेज वन क्लियर करना है और सेकंड फेज में आप लोग का डिक्टेंशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होने वाला है। इसके बाद आप लोग का थर्ड फेज मेडिकल होगा। तो चलिए, ये आप लोग की बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम का एक नोटिस यहाँ पे आ चुका है जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे, जिसका एग्जाम आप लोग का जून माह में होना था, लेकिन अब आप लोग का जो है अगस्त माह में यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो रहा है। ये नोटिस है, नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जानकारी लगी होगी, पूरी डिटेल आप लोगों को A to Z प्रोवाइड करने वाला, कोई मिस्टेक आप लोगों से ना हो आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर के, क्योंकि एग्जाम आप लोग का चेंज कर दिया गया। एग्जाम का प्रोसेस अब आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन ही आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह दी गई, हिंदी में दिया गया है, आप लोग से रीड कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम था, अब आप लोग का सीबीटी एग्जाम होने वाला है। रिक्तियां आप लोग की 2023-24 की आप लोग को पता होना चाहिए। इससे पहले एक नोटिस मैंने आप लोग को दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर किया गया ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम नहीं है, अब सीबीटी एग्जाम है, ठीक है। 2023-24 की आप लोग की वैकेंसी है और इसमें आप लोग को रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जानकारी दी गई। शिफ्ट वन में आप लोग का जो है रेडियो ऑपरेटर की जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में, इसके अलावा आप लोग का शिफ्ट थ्री में रेडियो मैकेनिक का एग्जाम होने वाला। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग किसी एक पोस्ट के लिए या फिर किसी दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्रीफरेंस देते हुए। तो इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम है, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, तीन शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होने वाला है 29 अगस्त 2023 को ही है। जी हाँ, 28 अगस्त 2023 को बीएसएफ ट्रेड्समैन का, 29 अगस्त 2023 को यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम का यहाँ पे एग्जाम दे दिया गया। शिफ्ट वन आप लोग का 8:30 से 10:30 है, शिफ्ट टू आप लोग का 12:30 से 2:30 बजे का, शिफ्ट तीन का आप लोग का 4:30 से 6:30 बजे का है। और रिपोर्टिंग टाइम आप लोग का यहाँ पे दे दिया गया, रिपोर्टिंग टाइम पे आप लोग पहुंचेंगे जी, गेट बंद हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इसके बाद आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोग की एंट्री लेना आप लोग को मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर के लिए शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और रेडियो मैकेनिक के लिए शिफ्ट थ्री में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों है तो आप लोग को शिफ्ट वन, शिफ्ट थ्री या फिर शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग देख लेंगे आप लोग ने किसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, नहीं किया है, आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उसमें आप लोग को पूरा समय और डिटेल एग्जाम सेंटर्स वगैरह की जानकारी दी होगी रोल नंबर के माध्यम से। जी हाँ, आप लोग को यहाँ पे रोल नंबर आवंटन किया जाएगा। जी इसमें आप लोग को बता दूं, जी हाँ, जो आप लोग एग्जाम देंगे उसके लिए एक ई प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, उसमें एक रोल नंबर दिया गया। रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ आप लोग के रिटर्न एग्जाम के लिए ही होगा, आप लोग की एंट्री करने के लिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रवेश पत्र वगैरह आप लोग डाउनलोड करेंगे, मेल आईडी और फोन नंबर के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड जानकारी दी जाएगी ऑनलाइन।
परीक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारियां दिए गए, इन सब चीजों को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही जानकारी दी गई, आप लोग जिसमें पढ़ना चाहते हैं आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें पढ़ सकते हैं। जी हाँ, सीबीटी या रोल नंबर आप लोग को आवंटित किया जाएगा, एक कंप्यूटर बेस आप लोग का रोल नंबर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सीबीटी एग्जाम के लिए ही होगा, वो ऑनलाइन यानी कि लॉगिन करने के लिए होगा। बाकी जो बीएसएफ का रोल नंबर है वो आप लोग का यूज होगा दूसरे और तीसरे चरण के लिए, ध्यान रखिएगा। सीबीटी आप लोग का जो रोल नंबर अभी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करने के लिए होगा सिस्टम को, आप लोग को एग्जाम देने के लिए, रिटर्न एग्जाम। चलिए, इसके अलावा आपको बताया मॉक टेस्ट वगैरह की जानकारी आप लोग को दी जाएगी, मॉक टेस्ट डेमो वगैरह उसे आप लोग लगा करके देख लेंगे। और फॉर्म भरते वक्त आप लोगों ने जो सेंटर वगैरह चूज किए थे वो सेंटर आप लोग के चेंज हो सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो जैसे सेंटर्स खाली होंगे उसी के अनुसार आप लोग को यहाँ पे जगह दी जाएगी, तो ये सेंटर आप लोग के चेंज हो सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने भरा था, उसके अलावा भी आप लोग के सेंटर दिए जा सकते हैं। लेकिन जो आप लोग का सेकंड और थर्ड फेज होने वाला है उसमें जो आप लोगों ने जगह चूज की थी, सेंटर चूज किए थे, वहीं पे ही आप लोग का फिजिकल और मेडिकल वगैरह होगा। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है कि 90 मिनट पहले ही, एग्जाम शुरू होने से 90 मिनट पहले ही आप लोग को डेढ़ घंटे पहले पहुंच जाना है, ताकि आप लोगों से बाकी की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा सके। चलिए, गेट बंद होने के बाद आप लोग को जो है अनुसरण नहीं किया जाएगा, गेट बंद करने के बाद आप लोग की एंट्री नहीं मिलने वाली है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रिंट आउट और मूल पहचान पत्र यानी कि आप लोग का जो भी एडमिट कार्ड होगा उसका प्रिंट आउट आप लोग निकालेंगे, जरूर दो प्रिंट आउट निकाल लेंगे, कलर प्रिंट आउट एक आप लोग अपने पास संभाल के रखेंगे, एक आप लोग लेके जाएंगे, और इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आप लोग साथ में लेके जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद ई प्रवेश पत्र आप लोग का जमा कर लिया जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ दो फोटो कॉपी आप लोग निकलवाएंगे, एक आप लोग अपने पास संभाल के रख लेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग का जो है पंजीकरण टेस्ट सीबीटी कंप्यूटर समापन के उम्मीदवारों को सिस्टम, जी हाँ, आप लोग का एग्जाम समाप्त होने के बाद आप लोग को सिस्टम छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि एग्जामिनर के द्वारा नहीं बोला जाता आप लोग वहां अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, आप लोग का एग्जाम समाप्त हो जाता है, आप लोग वहीं बैठे रहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कि स्टोरेज मौखिक लिखित वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग देखिए। परीक्षा हॉल में पेपर उपलब्ध कराया जाएगा रफ कार्य के लिए, रफ कार्य के लिए आपको एक पेपर वहां पे दिया जाएगा, उसमें आप लोग रफ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मैथ के क्वेश्चंस वगैरह आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहीं छोड़नी पड़ेगी। और रिटर्न एग्जाम के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोग को यहाँ पे आंसर लिंक वगैरह आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन लिंक वगैरह आप लोग को दिया जाएगा, जो भी आप लोग की आंसर की आएगी ऑब्जेक्शन आप लोग लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी, लेकिन इससे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग की यहाँ पे बताई गई, पहले आप लोग की यहाँ पे 20 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले थे, लेकिन अब जो है 10 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की आगे के प्रोसेस के लिए। पहले यहाँ पे 20 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले थे, और मेरिट आप लोग की 2023 और 2024 के हिसाब से लगेगी, जो भी मेरिट में हाई होंगे मतलब ऊपर होंगे वो 2023 की मेरिट में रहेंगे, और जो जिनकी लो ग्रेड होगी जिनकी मतलब कम होगी वो आप लोग की 2024 की मेरिट में यहाँ पे आने वाले हैं। तो दो मेरिट लगेगी 2023 2024 की, बीएसएफ आरओ की अलग लगेगी, बीएसएफ आरएम की आप लोग की अलग लगेगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे यदि कई शिफ्टों में एग्जाम होंगे, एक ही पेपर कई शिफ्टों में होते हैं जैसे आरओ के या फिर आरएम के, तो आप लोग के यहाँ पे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कि सभी मापदंडों को पूरा करना है, शैक्षिक आयु गति वगैरह, ठीक है, तो जो भी आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी गई थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे आप लोग फुलफिल करेंगे तभी आप लोग के ऊपर अनुसरण किया जाएगा, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी आगे जाकर रद्द हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा पता उम्मीदवारों की सलाह ये थी कि वो आप लोग जो है वेबसाइट चेक करते रहें, और बाकी की जानकारियां यहाँ पे अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो कुछ भी है बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया है, एग्जाम की डेट बता दी है, एग्जाम कैसे होगा कहाँ होगा, ठीक है, बाकी की डिटेल आप लोग को एडमिट कार्ड पे ही मिलने वाली है, इस चीज को आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, जो भी चेंज किया गया है मैंने आप लोग को बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग का जो है 29 अगस्त 2023 को रिटर्न एग्जाम है, और इसके एडमिट कार्ड आप लोग के 21 अगस्त 2023 को लाइव हो जाएंगे, 21 अगस्त 2023 को आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो मैं आप लोग को उसकी जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जहां से पर आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।